अब मैं चंद नारे लगाऊंगा जिनका कौमी नारे आपने भरपूर जवाब देना है। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। आप एक मुनज़्ज़म तरीके से जाएंगे वजीर आला बने। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। चौदह अगस्त को ईद के तीसरे दिन पाकिस्तानी आवाम ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फैसला किया था कि हम उस दिन को 14 अगस्त की खुशियों को जो है यौम यकजहती कश्मीर के साथ मंसूब करते हैं। और उसमें आपने देखा कि लाखों लोग जो है मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से अपनी खुशियाँ छोड़ कर वो इजहारी यकजहती के तौर पर यहाँ पे जमा हुआ है। और जान साहब की क़्यादत में एक बड़ा जलसा भी हुआ और इजहारी यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया गया। इसी तरह आज जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जुम्मे को भारत से भारत 30 पर जो है मतलब इजहारी यकजहती के तौर पर पाकिस्तानी आवाम मनाएंगे, तो इसका आज ये मुकम्मल सबूत है कि आज पूरे पाकिस्तान में अपने मासूम बेगुनाह नहते मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहारी यकजहती करने हम जा रहे हैं। और ये इसका सबूत है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही थी कि साबिका हुकूमतों में कश्मीर के मसले को जिस अंदाज से उठाने के हवाले से हो और खसूसन ईद के दिन नमाज ईद न पढ़ाने के हवाले से हो उन्होंने नहीं छोड़ा। यानी दुनिया की हर वो बर्बरियत, हर वो सफाकियत आज मासूम बेगुनाह कश्मीरियों पर रवा रखा गया है। इंडिया मोदी सरकार जो यकीनी तौर पर एक जुनूनी है और जुनूनी जो है मतलब इस खत्ते को जो है मतलब इनके अमन अमान को यहाँ हवाला करना चाहते हैं, यहाँ पे एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि इस खत्ते के आवाम बाशऊर हो चुके हैं, वो इक्तसादी तौर पर तरक्की करना चाहते हैं, वो कभी भी आपकी जो है मतलब उस जनूनियत के बहकावे में नहीं आएगा। आपने कश्मीर की जो खसूसी हैसियत ख़त्म करके आर्टिकल 370 और 35 को ख़त्म करके ये बावर कराया है कि आपके अंदर न सेकुलरिज्म है और न आपके अंदर जो है मतलब डेमोक्रेसी है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह ताला कश्मीर में आपने एक बुरहान वानी को जो है शहीद करके आज लाखों बुरहान वानी वहाँ पे पैदा हुए हैं। जबर से आप कभी भी जो है मतलब कश्मीरियों को दबा नहीं सकेंगे। आज आप देख रहे हैं कि कश्मीरी इंतहाई मुखलिसाना अंदाज से आपके कर्फ्यू को तोड़ कर जो है वो अपना एहतजाज दुनिया में रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। मेरा मुतालिबा सिक्योरिटी कौंसिल, अक़वामे मुत्तहिदा, बैन अल-अक़वामी हुकूमतों से है कि वो कश्मीर की इशू को सीरियस लें और इनके खिलाफ मोदी सरकार को उनके करतूतों से बाज रखे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान ये मुठी गई आज कश्मीर आनो दागो मुसलमान उस पर आको जिससे सलत कीजिए मैं दागो से साधु को ऐसा चेते उठो नंदाशे उमरस में मेंबरान चीफ मिनिस्टर गवर्नर नगर प्रति श्री ने छक पानी वाला आदि यदि मुसलमान सर एक से इंसारी चेते को आओ मैं जो सबर करियो आओ कश्मीर में छोड़ी जी पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में सारी पार्टियों को सबको कहा कि कश्मीर के साथ एकजुटी बनानी है। आज हम कोई पार्टी कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ निकले हैं और कश्मीर भाइयों के लिए निकले हैं। और मोदी सरकार गलत फहमी में है कि हम हमारे ऊपर ये फौज दिखा के और हमें कमजोर करना चाहेगा। हम एक
सुपर पावर एटम बम रखते हैं, ये हमने 14 अगस्त के लिए नहीं रखा है। ये गलत फहमी में रहेगा कि अगर ये कश्मीर पे कब्जा करेगा तो इंशाल्लाह हम एटम बम भी मार सकते हैं। ये इस गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान एक कमजोर या इनकी इकॉनमी कमजोर है, एटम बम हम चला सकते हैं और इंडिया को 3 मिनट के अंदर खत्म भी कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान आज हमारे यहाँ भाइयों को पूरी बलूचिस्तान में अगर कॉल करे कि जहाद के लिए आप तैयार है तो यकीन करें कि हजारों और लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाएंगे। मोदी सरकार तुम इस गलत फहमी में हो, हमें मौत में जन्नत नजर आती है। तुम्हारे लोग जो है फौज में जो 40,000 से ज्यादा लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हमें कश्मीर ना भिजवाए। आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अब मैं दावत दूंगा गवर्नर बलूचिस्तान जनाब अमानुल्लाह यासीन जी साहब को, वो आपसे खिताब करें। अब दावत दूंगा वजीर आला बलूचिस्तान जनाब जान कमाल खान आलियानी साहब को के इस्तेजाजी मुजाहरे से खिताब करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरका रैली, ख्वातीन व हज़रात, आज की ये यकजहती रैली पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की गवाही है और इस बात की शहादत है कि कौम पाकिस्तान में जितने भी अकवाम हैं, चाहे वो जिस पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान।